हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसानी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। आज बेसिक इंग्लिश में डिफिकल्ट वर्ड की पी की सीरीज चल रही है। ए से जेड तक की डिफिकल्ट वर्ड की सीरीज मैं आपको करा रहा हूँ, जिसमें छोटे जो वर्ड्स होते हैं हमारे डिफिकल्ट वर्ड, उसको आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको कैसे पढ़ते हैं। रीडिंग सेक्शन का ये वीडियो है, तो पी तक हम पहुँच चुके हैं, ये पी का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे है PRIN, तो ये बना प्रिन। फिर सी पल, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान अध्यापक, जो भी अध्यापकों में जो सबसे प्रधान हो, सबसे बड़ा हो, उसे प्रिंसिपल कहते हैं। और एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है। इसी तरह से प्रिंसिपल, 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 इसमें क्या है, PAL है, पल। और ये पल है, पल में क्या होता है, जब प्रिंसिपल बोलते हैं तो प्रधान अध्यापक होता है, प्रिंसिपल बोलते हैं तब सिद्धांत होता है, किसी आदमी का क्या सिद्धांत है, जैसे गांधी जी के क्या सिद्धांत है। इनमें स्पेलिंग में पल में डिफरेंस है, इसमें PAL होता है, इसमें PLE होता है, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसी के साथ है PANTA, पेंटालून्स। पेंटालून्स, पेंटालून्स का मतलब होता है पाजामा, जो पाजामा हम पहनते हैं उसे पेंटालून कहते हैं इंग्लिश में। पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो पता ही होगा आपको, आलू। पार्सल, पार्सल, पार्सल का मतलब पोटली। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, किसी भी चीज़ का अभ्यास करना। यहीं पे एस लगा देने से क्या होता है, वो भी प्रैक्टिस ही होता है, पर उसका मतलब होता है प्रथा, कि पुरानी प्रैक्टिसेस है, पुरानी प्रथाएं हैं, तो प्रथा के लिए यूज़ किया जाता है जब एस होता है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम, प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम होता है, हमारे आस पड़ोस में प्रोग्राम होते हैं, समारोह होते रहते हैं। पेंशन, पेंशन, पेंशन का मतलब होता है वृत्ति या पेंशन, वृत्ति का मतलब होता है जो महीने महीने आपको मिलती रहे, उसे हम पेंशन कहते हैं। पीजन, पीजन, पीजन का मतलब कबूतर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर का मतलब होता है प्राध्यापक, प्राध्यापक वह होता है जो कॉलेज में पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर को प्रोफेसर कहते हैं। परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट का मतलब स्थायी। अब जैसे टेम्परेरी एड्रेस होता है और परमानेंट एड्रेस होता है, परमानेंट का मतलब ऐसा एड्रेस जो हमेशा आपका यही रहेगा। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है सुहानी, बड़ी सुहाना मौसम है, प्लीजेंट मौसम है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम, प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है खुशी या आनंद, कोई खुशी होती है, आनंद होती है, तो ऐसे शब्दों के लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है प्लेजर। यहाँ पर रीडिंग करने के लिए इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य सिर्फ रीडिंग है, कि बच्चे रीडिंग कर सकें। ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार आते हैं आपके, बार बार आएंगे आपकी बुकों में, जब आप पहली से 12वीं तक पढ़ाई करेंगे तो बार बार ये शब्द आते ही रहते हैं, हमारी लाइफ में आते ही रहते हैं। तो इन्हीं को मैंने डिफिकल्ट वर्ड के थ्रू आपको ए से जेड तक देने का प्रयास किया है। पेशेंट, पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है मरीज। फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, जब हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, रासायनिक विज्ञान पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब हम पढ़ते हैं, तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। फिजिशियन, फिजिशियन, फिजिशियन का मतलब होता है चिकित्सक। प्लेग, प्लेग, प्लेग का मतलब होता है विपत्ति, महामारी, एक तरह की बीमारी है प्लेग। प्री, प्रेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी, तैयारी करना, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना, पहले से तैयार हो जाना, पहले से प्रिपेयर होके रहना, तो ये इसी से जुड़े हुए सारे शब्द हैं। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष या राष्ट्रपति, कहीं का अध्यक्ष को भी हम प्रेसिडेंट कहते हैं और राष्ट्रपति को भी हम प्रेसिडेंट ही कहते हैं। पर्स, पर्स का मतलब बटुआ, आपको पता ही होगा, बार बार सुना होगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक, सकारात्मक मतलब हमेशा सही सोचने वाला, जो हमेशा अच्छा ही सोचे उसे पॉजिटिव कहते हैं। पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है कोई भी पद हो, कोई भी स्थान हो, या किसी भी चीज़ की अवस्था हो, कि वो किस अवस्था में है, किस पोजीशन में है, किस पद पर है, किस स्थान पर है, तो ऐसे शब्दों के लिए हम पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी बेसिक वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। तो ए टू जेड के आपके सभी जो वीडियोज़ हैं जो मैंने बनाए हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके सारे देख सकते हैं, जो भी वीडियो आपको देखने हो। हर वीडियो में लगभग 25 से 30 वर्ड हैं, तो इसी तरह से अगर आप इतने वर्ड करेंगे तो काफ़ी वर्ड सीख सकते हैं डेली। और इसी तरह आसान तरीके से, आसान भाषा में आपको आसान चैनल पर बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उनको देखिए और इन सब चीजों को सीखिए। पॉइजन, पॉइजन का मतलब होता है विष, तो पॉइजनस मतलब विषैला। प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती।
प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। पोजेशन, पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, किसी चीज पर आपका क्या अधिकार है। जब फ्लैट होता है तो उसमें पोजेशन आती है, पोजेशन का मतलब उस फ्लैट का आपको अधिकार दे दिया जाता है। प्रिविलेज, प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, किसी चीज का विशेष अधिकार दे देना। जैसे कि अध्यापक होता है उसको घर वाले विशेष अधिकार दे देते हैं कि आप हमारे बच्चे को पढ़ाइए और आप इस पर इसका विशेष अधिकार हो गया आज से। परसीव, परसीव का मतलब होता है समझना। परसीव, प्रिटी, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। प्रिटी का मतलब सुंदर, शी इज अ प्रिटी गर्ल, वो बहुत सुंदर लड़की है। प्रोसीड, प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना या अग्रसर होना, किसी चीज में आगे बढ़ना, प्रोसीड होना। जैसे आप लोगों के समर्थन से हमारा चैनल बहुत आगे प्रोसीड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। और आप लोग भी अगर शुरू से मेरी वीडियोस देखी है तो आपकी इंग्लिश भी जरूर प्रोसीड हो रही होगी, आगे बढ़ रही होगी, अग्रसर हो रही होगी। ये बेसिक चैनल है और यहाँ पे बेसिक लर्नर्स के लिए इसी चीज, इंग्लिश के वर्ड्स को आसान बनाना, इंग्लिश के सेंटेंस को आसान बनाना, यही सब इस चैनल पर किया जाता है। प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावनाएं, क्या संभावनाएं हैं। प्रोबेबिलिटी भी होती है जिसको हम प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, जो मैथ में चैप्टर होता है उसे भी संभावना बोलते हैं। प्रोस्पेक्ट्स मतलब संभावनाएं। पैलेस, पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल और प्लेस का मतलब होता है जगह। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, और पीछे के साउंड पे बिल्कुल ध्यान ना दे क्योंकि ये दिल्ली है, यहाँ पे ऐसी आवाजें आती रहती है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी और ये वर्ड्स कैसे लगे, और पी के मेरे पास बहुत सारे वर्ड हैं तो इसकी मैं दूसरी वीडियो भी आपको डालूंगा और जल्द ही डालूंगा। तो आप वीडियो में अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। मैं बिल्कुल बेसिक इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, एडवांस चैनल बहुत सारे हैं जो एडवांस सिखाते हैं पर बेसिक कोई नहीं सिखाता, ये सब चीज़ें पढ़ना लिखना कोई नहीं सिखाता, और ज़रूरत इंडिया को इस चीज़ की है। ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, अगर ये चीज़ें हमें आ गई तो आगे हम खुद ही कर लेंगे, आगे हम कहीं से भी जाके सीख सकते हैं। तो अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल पर और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, और इसी तरह अपना समर्थन देते रहें। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।